व्यंजक आज से शुरू, अगले 5 दिन भूलकर भी ना करें ये 5 काम। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। सनातन धर्म में किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य या 16 संस्कार करने से पहले शुभ और अशुभ योग देखने की परंपरा है। जैसे शादी विवाह के लिए शुक्र या गुरु की शुभ स्थिति देखी जाती है, वैसे ही हर महीने लगने वाले पंचक में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हिंदू धर्म पे पंचक का विशेष महत्व माना गया है। गुरुवार यानी आज 2 मई से पंचक लग चुका है, जो कि मंगलवार 6 मई तक रहेगा। आइए जानते हैं कि पंचक क्या होता है और इसमें कौन से कार्य करने वर्जित होते हैं। देखिए, पंचक 5 दिन तक रहते हैं। चंद्रमा जब धनिष्ठा नक्षत्र के 3rd शरण में प्रवेश करता है, इसके बाद जब चंद्रमा शतभिषा, पूर्ण भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के 4 पदों पर गोचर करता है, तो इसे पंचक कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तो इसे पंचक कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पंचक की अवधि को बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि पंचक काल में यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के बाद घर परिवार के सदस्यों या फिर उस क्षेत्र के लोगों पर भी संकट मंडराने लगता है। इसलिए पंचक को बेहद ही अशुभ दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि सारे पंचक अशुभ नहीं होते हैं। गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक दोष रहित होते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। गुरु पंचक में 5 कार्य को छोड़कर कोई भी काम किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि वो 5 काम कौन से हैं जिन्हें पंचक के दिनों में करना वर्जित माना जाता है, जिन्हें करना अशुभ है। देखिए, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। जी हाँ, पंचक काल में लोगों को दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, इसलिए पंचक के दिनों में इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। दूसरा है लकड़ी को इकट्ठा करना। पंचक लगते ही लकड़ी इकट्ठा करना या लकड़ी से जुड़े कार्य करने की मनाही की जाती है, इसलिए इस अवधि में ऐसा कोई भी कार्य करने से आप जरूर बचें। वहीं यदि पंचक में किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए दाह संस्कार के वक्त आटे, बेसन और कुश यानी कि घास से 5 पुतले बनाकर मृतक के साथ उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, अन्यथा परिवार या आस पड़ोस के लोगों पर खतरा मंडराने लगता है। वहीं पंचक में पलंग या चारपाई बनवाना भी बेहद अशुभ माना जाता है, इसीलिए पंचक में ये गलती भूल कर भी ना करें। देखिए, इन कामों के अलावा आप सभी काम कर सकते हैं, लेकिन ये 4-5 काम कुछ ऐसे हैं जिन्हें करना शास्त्रीय दृष्टि से बेहद ही अशुभ माना गया है। इसी के साथ पंचक का अशुभ काल शुरू होने के बाद विवाह, मुंडन और नामकरण संस्कार आदि कार्यक्रम करने भी वर्जित माने जाते हैं। यानी कि आप इन 5 कामों को छोड़कर बाकी अन्य सभी काम पंचक के दौरान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।